नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू एंड आप देख रहे हो पिंटू टैक्स। सो गाइस, आज मेरे पास है यहाँ पर रियलमी C35 फ़ोन। और गाइस, आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी पर भी क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है और ये कुछ बोल रहा है, यहाँ पर सारा उल्टा सीधा जो है क्लिक हो रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ यहाँ पर आप सुन पा रहे होंगे। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो, गाइस आपको मैं यही चीज़ सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो का भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ यार वीडियो को पूरा वॉच करना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए सर, सीख लेते हैं फटाफट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो गाइस, बता दूँ आपको, इसे ऑप्शन को हम बोलते हैं टॉक बैक। ठीक है जी, आपको आपने सेटिंग्स में जो है इसे इनेबल कर लिया होगा। और ये प्रॉब्लम आ जाती है तो काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है, और हम किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम सीख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ से बिल्कुल आपको बैक हो जाना, यहाँ पर मैं बैक हो जाता हूँ। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर दो उंगली यूज करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर आप जब सुन पा रहे हो, ये बोल रहा है डबल टैप करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ पर आप क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पर आपको दो बार टैप करना पड़ेगा जब भी वो चीज़ काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक उंगली से कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं दो से करूँगा तो सारा कुछ होगा। ठीक है, यानी कि आपको दो उंगली यूज करनी पड़ेगी एक साथ में। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स को देख लेना है। तो यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग्स को देख लेता हूँ। ये है सेटिंग्स, सेटिंग्स पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। आपको थोड़ा नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है टॉक बैक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको देख पा रहे हो यूज टॉक बैक, यहाँ पर देख पा रहे हो, इसे यहाँ पर आपको डिसेबल कर देना है, यानी कि ऑफ कर देना है। ठीक है, तो स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पर उस पर डिसेबल पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर स्टॉप पर क्लिक कर देना है। बस इतना सा करना है और करने के बाद ये प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। सो गाइस, इसी प्रकार से आप जो है टॉक बैक ऑप्शन को हटा सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर टॉक बैक जो है आप हटाना सीख गए होगे और आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।